प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 संघ सरकार के अंतर्गत आता है। संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट, जिसके आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। इसी का एक पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघ की कार्यपालिका, जिसके आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघ की कार्यपालिका, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल और भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत में कौन से प्रकार की व्यवस्था लाई जाए, उस समय अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया। तो अमेरिका में राष्ट्रपति प्रधान होता है, वो व्यवस्था आज तक चली आ रही है। ब्रिटेन में संसदीय प्रकार की व्यवस्था थी और आयरलैंड में ऐसा था कि वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, यानी जो भी प्रतिनिधि होता है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के प्रतिनिधि बनता है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रपोजल दिया कि हमारे देश में संसदीय प्रकार की व्यवस्था होगी, यानी एक तो राष्ट्रपति होगा, उसी के नाम से सारे कामकाज किए जाएंगे, लेकिन जो वास्तविक हेड होगा वो प्रधानमंत्री ही होगा। यानी जो भी राष्ट्रपति काम करेगा वो खुद अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, वो मंत्रिमंडल की सलाह से ही काम करेगा। और मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री, यानी देश का जो वास्तविक कामकाज जो चला रहा होता है, वो रियल हीरो जो होता है रियल, वो प्रधानमंत्री होता है। और नाम मात्र का हेड यदि बोला जाए तो वो राष्ट्रपति होता है। तो चलिए राष्ट्रपति के आर्टिकल्स को समझते हैं, जो 52 से लेकर 62 तक हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल बाई आर्टिकल, और उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 52 कहता है कि शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट, भारत का प्रथम नागरिक और हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक प्रमुख होगा। और ये राष्ट्रपति का पद कभी भी वैकेंट नहीं हो सकता, कभी खाली नहीं हो सकता। अब ये राष्ट्रपति जो शब्द है, ये शब्द आया कहाँ से? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ये हर जगह प्रेसिडेंट शब्द का यूज होता है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति शब्द आया कहाँ से? ये हाँ उसका हिंदी है, लेकिन ये शब्द किसने दिया? ये राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहा जाए, ये कहाँ से आया? बात है 30 अगस्त सन 1947 की संघ संविधान समिति की बैठक चल रही थी। उसी समिति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समिति के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि जो संवैधानिक प्रमुख होगा, भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होगा, उसके लिए राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तब से ये व्यवस्था आज तक चली आ रही है। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन मंडल, यानी ये आर्टिकल ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन हिस्सा ले सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा यानी जिसके टोटल सदस्य संख्या 545 होती है, जिसमें से दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे क्यों? क्योंकि दो सदस्यों को 104वें संविधान संशोधन के द्वारा उनको मनोनीत किए जाने पर रोक लगा दी गई है, यानी अब बचे 543 सदस्य लोकसभा से। और राज्यसभा के टोटल सदस्य संख्या 245 में से 12 सदस्यों का मनोनय राष्ट्रपति करता है। 12 सदस्य ये वो सदस्य होते हैं जो विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान होता है। ऐसे 12 सदस्यों का मनोनय राष्ट्रपति राज्यसभा में करता है। तो अब यानी 12 सदस्यों को हटा दिया जाए तो बच गए 233, यानी 233 राज्यसभा से और 543 लोकसभा से, यानी दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो बनते हैं 776, यानी संसद के दोनों सदनों से 776 निर्वाचित सदस्य हो गए, और यही 776 निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद राज्य की सारी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के नहीं, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दो यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा ले सकते हैं। और एक अभी यूनियन टेरिटरी बनी है
जम्मू कश्मीर, जिनके यहाँ विधानसभा है, लेकिन अभी यह प्रावधान नहीं है कि उसके विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन भविष्य में यदि इसे स्टेट नहीं बनाया गया तो संविधान में संशोधन करके इस प्रक्रिया को बदला जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा ले सकें। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को बताता है। यह बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। संविधान में यह व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। इस मतदान में प्रत्येक मतदाता वरीयता क्रम में अपना मत देता है, यानी वो एक मतदाता सारे राष्ट्रपति चुनाव में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया सबको वोट देगा, एक वरीयता क्रम में देगा। किसी को पहले नंबर पे देगा, किसी को दूसरे नंबर पे देगा, किसी को तीसरे नंबर पे देगा। इसके हिसाब से ही बाद में इसकी काउंटिंग की जाती है और इसका रिजल्ट निकाला जाता है। और इस राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हर एक उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना बहुत ज़रूरी है। और 15,000 रुपये की राशि जो RBI को दे होती है वो उसको सबमिट करना पड़ेगा। टोटल वोट का मतलब उसके चुनाव के टोटल वोट का 1/6 वोट भी उसे नहीं मिलता है तो वो राशि RBI में चली जाएगी, उसको देय नहीं होगी। लेकिन जो जीत जाएगा उसको वो राशि वापस हो जाती है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह संविधान के आर्टिकल 71 के 4 में मेंशन किया गया है। और यदि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल कोई अधूरा रह जाता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा राष्ट्रपति के चुनाव पे। राष्ट्रपति के चुनाव पे निर्वाचन मंडल के अधूरा रहने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह व्यवस्था 11वां संविधान संशोधन करके सन 1961 में ऐड की गई है। निर्वाचन मंडल अधूरा रहने का मतलब, यानी यदि किसी राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव के समय भंग है तो उसके सदस्य निर्वाचन करें या ना करें, इसका फर्क राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। राष्ट्रपति पद धारण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पे बना रह सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष कंप्लीट होने पर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देगा या उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति तब तक अपने पद पे बना रह सकता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता। उसके उत्तराधिकारी के चुनाव होने के बाद ही राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति होती है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो वो अपने कार्यकाल के दौरान त्याग पत्र भी दे सकता है। वो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देगा। यदि उनकी भी अनुपस्थिति है तो वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को देगा। राष्ट्रपति को इन कुल 3 तरीकों से उसके पद से हटाया जा सकता है। एक तो मृत्यु होने पर, दूसरा या तो वो खुद त्यागपत्र दे दे, तीसरा संविधान के उल्लंघन के बाद महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। बात है 1969 की। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। मृत्यु के तुरंत बाद उस समय बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। आप एक बात जान लो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति केवल 6 महीने तक ही अपने पद पे बना रह सकता है। बाद में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जो राष्ट्रपति अपने पद पे आता है वो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, ना कि बचे हुए बाकी समय के लिए। तो जब बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया तो बीबी गिरी को भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, लेकिन वो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे तो वो राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दिया तब M. हिदायतुल्ला को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। आपको बता दूं कि बीबी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और M. हिदायतुल्ला ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी थे। तो ये M. हिदायतुल्ला पहले ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी थे। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 57, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। यदि कोई व्यक्ति भारत में चुनाव लड़ता है तो कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इसके लिए भारत के संविधान में कोई रोक नहीं है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 58, जो राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताता है। राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यता है इस आर्टिकल में यही बताया गया है। पहला आर्टिकल है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो नागरिक जन्म से हो। 5 प्रकार की जो नागरिकता ग्रहण करने की का प्रावधान किया गया है, उस तरीके से भी यदि वो भारत की नागरिकता ग्रहण किया हुआ है तो राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल है। सिर्फ नागरिक होना जरूरी है, जरूरी ये नहीं है कि वो जन्म से नागरिक हो। अमेरिका में ये प्रावधान नहीं है। अमेरिका में वही व्यक्ति
वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है जो जन्म से वो अमेरिका का नागरिक हो। अगली योग्यता है वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पे ना हो। लाभ का पद यानी इसको संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार वर्डिक्ट देता रहता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि लाभ का पद जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, चाहे वो फोर्थ ग्रेड से लेके ए ग्रेड तक की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं जिसमें उस कर्मचारी को मासिक भत्ता मिलता है, सैलरी मिलती है, वो लाभ का पद माना जाएगा। वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या भाई? लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या है कि वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो पागल या दिवालिया ना हो, वो भारत का नागरिक हो, वो भ्रष्ट आचरण का दोषी ना हो, वो दल बदल का दोषी ना हो और किसी भी दोष में उसे 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा ना हुई। यदि कोई भी व्यक्ति ये सारी क्राइटेरिया पूरी करता है तो वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य है, और जो लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य है वो राष्ट्रपति बनने के योग्य है। लेकिन इसके साथ 3 और अर्हताएं राष्ट्रपति के लिए आ जाती हैं कि उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 59, जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों को बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वो है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। राष्ट्रपति कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान 5 लाख रुपए का वेतन मिलेगा और इसके साथ उसको भत्ता भी मिलेगा। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन मिलेगा जिसका कोई भी रेंट उसे नहीं देना पड़ेगा। उसके साथ कई सारे वेतन भत्ते जुड़े रहते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन तथा भत्ते को कम नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के बाद 9 लाख रुपये प्रतिवर्ष की पेंशन मिलेगी। राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र दे देता है या उसको महाभियोग लगा के उसको उसके पद से हटा दिया जाता है तो जो अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो बाकी बचे हुए वर्ष के लिए नहीं होगा, वो 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होगा। आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में बताया गया। ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यदि उनकी अनुपस्थिति है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। राष्ट्रपति संविधान के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण तथा लोक कल्याण की शपथ लेता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 61, यानी महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार लगाया जाएगा, उसके प्रावधान क्या हैं, वो इस आर्टिकल में बताया गया है। महाभियोग आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन होगा। यदि किसी राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो इस बिहाफ पे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी? महाभियोग लगाने के लिए संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। उसके 1/4 सदस्यों द्वारा 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है तो आप संसद में आकर अपना पक्ष रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति या तो खुद आता है अपना पक्ष रखने या तो अपने प्रतिनिधि को भेजता है। यदि उस संसद के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो यह प्रस्ताव अगली सदन में जाता है, और अगली सदन में भी 2/3 बहुमत से यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ सकता है। उसी दिन से राष्ट्रपति को उसके पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। तो आपको एक बात और बता दें, जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है इसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि निर्वाचन की प्रक्रिया में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि निर्वाचन की प्रक्रिया में राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और हम जैसे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। कौन भाग नहीं लेता? मनोनीत सदस्य निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और राज्य के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि निर्वाचन की प्रक्रिया में राज्य के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। तो ये जो सवाल आ रहा है इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सवाल का जवाब ज़रूर पता होना चाहिए।
वो स्टूडेंट कमेंट करके बताएं, और जिनको ऐसे भी पता है वो भी बता सकते हैं। एक्चुअली यार हमारी रीच अभी ज़्यादा लोगों तक नहीं है, हमारी रीच अभी लिमिटेड है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होए, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि हम सब मोटिवेट रहें और एक मोटिवेशन और हौसले के साथ, जोश के साथ आप लोगों के साथ आएँ और अपनी नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करें। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। यदि हमारे 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे आप लोगों में से किसी एक सब्सक्राइबर को बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि 500 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके और आप लोगों में से किसी एक को वो गिफ्ट मिले। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।